उघाड़ते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला है ताकि लोगों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल सके। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 5 सालों से नियमित व नियमानुसार संचालन न होने के कारण बबीता सहित कुल 150 ग्राम पंचायतों में 2 लाख लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे बाबू का हालत बहुत सीरियस है। हमने लेके गई एम्बुलेंस के, हमने बोल रही फोन कर ली जाए एम्बुलेंस को, आधी घंटा लगी, 1 घंटा लगी, 1.5 घंटा लगी। फिर एक पास्टर होने के गांव में हमने हीरो होंडा से ले गई अपने बाबू के अस्पताल में। डॉक्टर ने का हाथ जोड़े थे, डॉक्टर साहब हमारे बाबू को देख रहे तो पता ना, अभी रुको हम अभी आ रहे पानी पी कर टाइम लगा लो। तो वहाँ फिर हमने गली अस्पताल में उनके सुतल जा आईना एक सुई चिल्लात बाड़न रोवत बाड़न एक सुई लगा के फिर बैठौले बाड़न। तो बतावा कि सरकारी जब अम्मी मरी जाई तो फिर सरकारी अस्पताल रहले कौन फायदा, तो ना रह के चाहिए। चोलापुर कौन सा अस्पताल है? कौन सा सरकारी? सरकारी अस्पताल है। आप लोगों को वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो किस तरह का परेशानी आपको हुआ था? नारायणी लोग क्या कह रही थी? जाए कतनी ऑपरेशन कराओ बदे बनारस भेजा था नहीं। फिर अम्मा हमार कनी की नहीं 18 हुआ तो बूढ़ा हुआ ये लोगों से वो इतना नारायणी। दवाएं कहाँ से दी गई थी आपको? बाहर से। सर यहाँ प्रतिदिन कितने मरीज देखे जाते हैं? प्रतिदिन 300-400। उनके लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है? सुविधाएं सारी निःशुल्क हैं, जो भी सुविधा दिए रहे एक्सरे हो, ये खून की जाँच जो टाइफाइड मलेरिया SBT LCD और बलगम जाँच सब निःशुल्क होती है, और जो भी सरकारी दवाएं आती हैं सब निःशुल्क दी जाती हैं। डेली का जो यहाँ पर रेशियो है वो 8 से 10 डिलीवरी का है पर डे। सर जब वो लोग इंजेक्शन वगैरह बाहर की लिखती हैं और डिलीवरी के पहले ही उनसे पैसे की मांग करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे संज्ञान में जब भी ऐसा आता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि आप लोग CMO के मोबाइल नंबर 94-15-30-15-13 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी परेशानियां दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।